शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। नन्हे नन्हे कदमों से चलना सीखा है, रास्ते में आने वाले ठोकरों से संभलना सीखा है, हमने तो सीख ली चलने का हुनर, अब आसमान में उड़ना सीखना है। जी हां, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी है, और इन्हीं योजनाओं में आवास योजना एवं सड़क योजना भी है। आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वे सभी ग्रामीण वासी जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, उन्हें एक उचित मूल्य दिया जाए ताकि वो भी अपना पक्का मकान बना सके। तो आइए इस योजना का लाभ किस तरह कामता चतरा के लोग उठा रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं। छोटा ही सही, पर अपना एक खुद का आशियाना हो, ये सपना हर इंसान का होता है। ये सपने तब बिखर जाते हैं जब लोगों के आशियाने की छतों पर बारिश का पानी टिक नहीं पाता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के लिए पक्के का मकान बनवा रहे हैं। इस योजना के तहत झारखंड के कई गाँव में पक्के के मकान का निर्माण किया जा चुका है। चतरा जिले के कामता खुर्द ग्राम में इस योजना से बने कई मकान हमें दिख जाएंगे। आज चतरा जिला के कमता गांव आए हुए हैं, और इस गांव में जो है प्रधानमंत्री का लोगों को इतना सहयोग मिला कि आज इस गांव में लोग काफ़ी खुश हैं। जिस जगह पर आए हुए हैं कमता गांव में, ये भुइयां टोली कहलाता है, और भुइयां टोली में जो है लोग पहले जो है रात अपने बिताते थे जाग करके, इसलिए जाग करके बिताते थे कि इस इलाके में जो था पूरे इलाके में मिट्टी का मकान था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ ग्रामीणों को जो है यहाँ आवास मिला है, और इसको लेकर के गांव में काफ़ी खुशी का भी माहौल है। आप देखे हो कि चारों तरफ सिर्फ मिट्टी का यहाँ मकान था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ जो हरिजन के जो लोग रहते थे उन लोगों को यहाँ आवास दिया गया, और आवास भी इतना सुंदर बनाया गया है कि लोग देख करके भी लोग काफ़ी उत्सुक होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने भी अपना मेहनत करके आवास को इतने अच्छे बनाया गया है कि लोग जो यहाँ के जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उस चीज़ को देखते हैं। अभी था मिट्टी का मकान था, अभी मिट्टी का मकान है, ये है हाँ। लेकिन बहुत सारा घर को मिला है हाँ। पहले आप लोग रात कैसे बीतता था? बीतता था, पानी नींद नहीं होता था, खाने ठिकाना नहीं रहता था हाँ। अभी कुछ राहत पर आ गई है। मोदी जी से कितना खुश हैं आप लोग? ठीक है, पानी चूता था, नींद नहीं पड़ता था, अपना रात भर किसी तरह से बिताते थे, होता था बिहान होता था किसी तरह से, जान सोचते थे जब कब बिहान हो, कब बिहान हो, हम लोग के कल्याण हो। मैंने कहा जा सकता कि रात को भी चैन था ना दिन को चैन था? चैन एकदम का खनियों नहीं रहते। मोदी जी आप लोग को आवाज दे दिए तो आप चैन का नींद सोते हैं? हाँ, अभी तो कुछ नींद तो जरूर सोते हैं, इत्मीनान तन रहते हैं, पानी चुने से बचते हैं, अपना नींद तन भरपूर सोते हैं। पहले दिक्कत था, बड़ी खपरक घर था, बहुत चूते थे, बहुत अथी होते थे से, अब बहुत चूते थे पानी उनी, तो बहुत दिक्कत से रहते थे, दिन रात जागले रहता था, अभी माता था ये थारी लोटा छानते थे तभी अभी सुख से, अब जिसका नहीं मिला उसका भी मिलेगा ना। अच्छा, अभी क्या स्थिति आप लोग का? अभी हमका चापाकल बनना चाहिए। नहीं नहीं, अभी घर जो है घर बना लिए, अब हाँ। कैसा दिन गुजरता है आप लोग, रात कैसा गुजरता है? बढ़िया गुजरता है। पहले इस गांव में सिर्फ खपरैल और फूस के मकान हुआ करते थे। बारिश के दिनों में इनकी छतों से टपक कर पानी कमरे में प्रवेश कर जाता था, इससे फूस के मकान में रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को विवश थे। जब से यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के के मकान बने हैं, यहाँ के ग्रामीणों को इन समस्याओं से
छुटकारा मिल गया है। पहले तो अब ठीक है, अभी घर दुरा जब बन गया है अभी वाला ठीक है सर। पहले वाला कैसा था? पहले तो पानी चुबो वाला एनहो चुबो तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत दिक्कत। अच्छा, अभी तो बढ़िया है, नहीं चुटता, नहीं रात को नींद आता है। हाँ, दिक्कत क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, अब बहुत गो के मिल गया और बहुत गो के बाकी है अभी, अब बहुत तकलीफ नहीं है। पहले के हले स्थिति सब हले खपरा घर, फूस के घर हले, खेर के काट काट रखा लेते, अब तन बन रहे तो सबके टोटल लखन बनल, कुछ बन ले कुछ न खे बना। पानी छान छान के रहे थे सर, देखे 20 गो के मिले कनौली, हम इनके ना मिले अधरिया, तो दिक्कत है रहने वाला के, अभी मिल जाता अच्छा रहता ने, सबके तो खुशी नहीं है, हम इनके है ये न है खुशी का से दर के, हम इनके दीजिए घर घर दीजिए, चपाकल दीजिए। अब बहुत आदमी मिल गया और हम देखे तो बहुत अच्छे, देखिए हमारे घर गिर रहा है, देखिए आके। यहाँ की महिला सरिता देवी बताती हैं कि पहले जब ये फूस के मकान में रहती थी तो छत से पानी तो टपकता ही था, साथ ही साथ सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता था। ये लोग चैन से सो नहीं पाते थे। पक्के के मकान के निर्माण के बाद इनका सुकून इन्हें वापस मिल गया है और अब ये चैन की नींद सोती हैं। पहले तो टूटल फटल मट्टी के घर था, खिजूर फिजूर के साथ, तो बहुत सारा आदमी के चाप देता था सांप बिच्छू। हाँ, चूता था कि नहीं सर, अब का चुबेगा? ठीक है सर, मगर पानी पीने में बहुत तकलीफ है, निकले बाहर आने तकलीफ है, रोड नहीं है, आधा दूर आया आधा दूर यहाँ पर से छूट जाता है। अदारिया तू के मुखिया सुरेंद्र यादव, वही आधा दूर उन्हें करा दिया है, और एगो मुखिया जीते हैं से मुखिया कभी चढ़वे नहीं करता है। हाँ, पुराना वाला मुखिया इतना दिए हैं, और ये नया वाला जीते हैं से कुछ हुल्कियों नहीं मारने आता है। ये गाँव ने कम से कम 20 गो। पहले तो इतना दिक्कत था कि रहने के तो जगह ठिकाना नहीं था, लेकिन अब तो बनिए गया है चापाकल, लेकिन अब हम लोग के चाहिए का तो आर। हाँ, घर ठीक बना है ना? हाँ, घर तो जो मिला से तो बढ़ा के बना दिए हैं, ऐसा बात तो नहीं है। बरसात में पानी नहीं ना चुका? ना, जो पक्का घर है तो कैसे चुएगा? तो पहले बहुत दिक्कत था, लेकिन अब तो दिक्कत ठीक है, अब पक्का घर बन गया, आदमी आराम से रह रहा है, खा पी रहा है। और वो तो मोदी सरकार जी दिए हैं, वो कौन देगा घर, तो प्रधानमंत्री जो था वही घर है सर। हाँ, तबे न दिया हम लोग का चैट, जब कभी वही उत्तर पानी चूता था, कैसो आदमी तो एक आध घंटा सोता था, नहीं सोता था। आपके घर मिल गया है, मेरा घर नहीं मिला, हम लोग पानी में रहते हैं, हम लोग विधवा आदमी है सर, मेरा पीछे कोई नहीं है। कामता खुर्द के ग्रामीण बताते हैं कि इस योजना से गाँव के लगभग 40 लोग लाभान्वित हुए हैं। इन लोगों के मकान फूस से पक्के में परिवर्तित हो गए हैं। इस योजना से सारे गांव के लोग काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री के कृतज्ञ हैं। यहाँ कमता खुद दे रहे हैं, कमता रहते हैं, आए थे आदमी देखे, घर बना के सब रह रहा है, कुछ इधर बनाया है कुछ उधर बनाया है, सब अपना अपना जमीन में। पहले रहता था खपर फूस में, अब तो बिल्डिंग वाला घर नहीं रह रहे, पानी से तो बच रहा है लोग, स्वास्थ्य अच्छा ठीक है। हाँ, तो मिल गया होगा 40 गो। देखिए अब ये जो कॉलोनी बना है 2 गो के हो गया है न, तो और बनाया 1 गो, फिर बगल ने भी बनाया है, से सब देखिए वो घर बना है तो 2 कॉलोनी का है, हाँ 2 गो का, वैसे लेके तो 40 गो हो ही जाएगा। फायदा ये है कि अब थोड़ा आदमी घर में पक्का घर में रह रहा है, अब पानी जैसे छपरी था तो उसमें टपकता था पानी थोड़ा, अब उससे क्या फायदा हो गया कि अब घर में पक्का है तो पानी नहीं गिरता है, उससे फायदा बहुत है हम लोग को, ठंडा भी मौसम रहता है हल्का, खपरा में थोड़ा पानी गिरता था, इधर उधर बिच्छा सांप घुस जाता था, इससे हम लोग को थोड़ा लाभ मिल रहा है घर। पहले बहुत कठिन था कि खपरा घर में रहते थे लोग, और उससे बच्चा लोग को भी दिक्कत होता था, सोने में रात में पानी गिरने लगता था, तो अब थोड़ा पक्का घर बन गया तो उससे थोड़ा आदमी अच्छा से रहता है। प्रधानमंत्री आवास भी सर हमारे यहाँ देखिए जो घर बना हुआ दिख रहा है, ये सबसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ही देन है। पहले हमारे गांव में 20-22 घर है, सब मिट्टी का घर था, तो मिट्टी का जो घर था, अभी देखिए हाल फिलहाल में ही ये 2 घर यहाँ बन रहे हैं, और आगे चल के लगभग 40-50 यहाँ पे कॉलोनी हुआ है जो प्रधानमंत्री का देन है, तो जिससे लोग को दिक्कतें नहीं हो रही है रहने में। और पहले मिट्टी का घर था, बरसात हुई तो पानी चूने लगता था, वैसा भी तो इसमें है नहीं, तो जितने गरीब लोग हैं सबको एक आवास मिल गया, रहने का मिल गया, खाना का भी मिल गया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं पूरा ग्रामवासी कमता खुर्द। गांव में लोग खपरैल तथा फूस के मकानों में रहते हैं,
जिससे उन्हें बरसात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पक्के के मकान की जरूरत हर ग्रामीण को है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों की इन्हीं जरूरतों को पूरा कर रहा है और उन्हें समस्याओं से निजात दिला रहा है। यह हमारा आवास प्लस की एक सूची बनी थी 18-19-20 में, जिसके आधार पर गांव के द्वारा ही गांव के संबंधित कर्मियों पदाधिकारियों के द्वारा एक सर्वे हुआ था कि वैसे लोग जो आवास की अर्हता रखते हैं उसकी एक सूची बनी थी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी गांव में ज़्यादा गरीब हो, उस अर्हता को पूरा करते हों और उसके आधार पर जो वेट लिस्ट बना उसको हम लोग क्रमवार देते जा रहे हैं। तो किसी गांव में अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और आगे फिर उसको हम लोग जैसे जैसे पूरा करते जाएंगे और जो वेट लिस्ट में जो बचे हुए लोग आएंगे और जैसे ही सरकार के द्वारा लक्ष्य प्राप्त होगा उसको हम लोग आगे आगे टिकअप करते जाएंगे। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ना। जी हाँ, किसी भी गांव का विकास व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। इससे तीन लाभ होते हैं, पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। कम समय में आप अधिक दूरी भी तय कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए आप गांव से शहर, शहर से राज्य और राज्य से जिलों में भी जा सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह कामता चतरा के लोग सड़क योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताएं पानी, बिजली और सड़क तक पहुंच गई है। सड़क जो कि गांवों की जीवन रेखा मानी जाती है, उसकी हालत को दिनों दिन बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस योजना के तहत देश के गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और हर गांव को शहर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में भी इस योजना के तहत कई सड़कें बनी हैं। चतरा जिले के कामता खुर्द ग्राम की सड़कें इसके जीते जागते उदाहरण हैं। ये रोड जो है प्रधानमंत्री ग्राम रोड जो बना है, ये रोड से हम लोग बहुत खुश हैं। आने जाने में हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा है और यही सब विकास हम लोग को चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए हम लोग को? पहले की स्थिति से अभी बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था आने जाने में, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रोड उड है, हर जगह है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रात बिरात कहीं भी आइए जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा का रास्ता जैसे चतरा था हम लोग को, जो हम लोग 15 मिनट से 20 मिनट में पहुँच जाते हैं रोड से। मैंने घंटों का सफर मिनटों में, हाँ घंटों का मिनट, घंटों का सफर मिनटों में सफल करते हैं हम लोग। पहले तो बहुत कीचड़ वाला रास्ता था, मिट्टी वाला रोड था पहले। अभी पीच रोड बन करके अभी हम लोग का बहुत अच्छा हो रहा है। अभी चलने के लिए बहुत सुविधा हो रहा है हम लोग को, सबके लिए एकदम बहुत सुविधा हुआ। अभी समय बचता है ना, समय भी बच रहे हैं। अभी साइकिल बाइक चलाने में बहुत सुविधा हो रहा है हम लोग को, आने जाने में कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है अभी। हाँ, पहले जो हम लोग टेम्पू में हम लोग रिजर्व करके जाते थे, जहाँ 200 रुपये किराया रहता था, अभी उन लोग 400 रुपये लेता था उस समय। और भी हम लोग को 200 रुपये हम लोग का भी काम बन रहे अभी, रोड अच्छा होने के कारण। सड़क बनने से आदमी को आने जाने में तो बहुत सुविधा है, बहुत सारा चीज़ का सुविधा मिलता है, उससे समय पर आदमी कहीं भी पहुंच जाता है। हम बहुत इसमें फ़ायदा है, पक्का बना है, इसमें फ़ायदा है। लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा हुआ है, समय का बचत हो रहा है, बहुत जन आता जाता है एकदम। कामता खुर्द ग्राम के विपिन सिंह बताते हैं कि इस गांव में जब से सड़कें बनी हैं, यहां के ग्रामीणों को इसका बहुत फायदा मिल रहा है। पहले यहां की सड़कें बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी, लोगों को गांव से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जब से यहां सड़कें बनी हैं, तब से लोग घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। सड़क बनने से हम लोग को बहुत फायदा है, जितना फायदा होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, उतना हो नहीं रहा है। विकास अभी अधूरा है। सड़क मिल गया है ना? मिल गया है, जिसे मेरे यहाँ बहुत ठीक है। फायदा है कि रोड है, अच्छा व्यवस्था है। अपना साग सब्जी जो पैदा किया लेके स्वयं टाइम से पहुँच जाता है, अपना मार्केटिंग करके लोग आ जाता है। बहुत खराब था। अभी फिलहाल ये सब विकास हुआ है, ये पहले कुछ नहीं था। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री सड़क बनने से मेरा गांव बहुत लाभान्वित है, सारे किसान खुश हैं। जो पहले घंटों का समय अभी मिनटों में हो जा रहा है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु न। पहले हम लोग को भाड़ा यहां से लगता था, अगर कोई छोटा गाड़ी है, ऑटो है, एम्बुलेंस है, तो 1500 रुपये लगता था। अभी 200-250 में हम लोग जगह पर अस्पताल पहुँच जाते हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और रोड बनने से PMGSY से प्रधानमंत्री के हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सड़कों के बन जाने से अब यहाँ के किसानों को भी काफी फायदा पहुँच रहा है। उन्हें अपनी सब्जियाँ
बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती। ये लोग सड़कों के माध्यम से आसानी से बाजार तक पहुंच जाते हैं। पहले की स्थिति बहुत ही खराब थी, आज की स्थिति बहुत ही अच्छा है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन जाने से। इससे हम लोग को चतरा आने जाने में, कोई भी काम करने में या साग सब्जी बेचने जाने में बहुत ही सुविधा पड़ती है। पहले जो साग सब्जी उब्जी होता था तो बेचने के अभाव में यहीं पर रह जाता था। अब जो है हम लोग आसान से जो है एक घंटा दो घंटा लगता था, अब 10 से 15 मिनट में चतरा जा करके बेच करके वापस आते हैं। या जो भी काम पड़ता है, या हॉस्पिटल जाना बीमारी हो तो अब हम लोग आराम से जाके दिखवा लेते हैं। पहले देखा जाए कि जैसे यहाँ पे कच्चा रोड था, कच्चा रोड होने से बहुत तकलीफ होता था, मिट्टी रोड रहता था, साइकिल या बाइक कोई भी आने से मिट्टी लटकता था और गाड़ी वाड़ी पंचर भी बहुत होता था। तो अभी जैसे पक्का रोड बन गया है यहाँ पे, तो इसे बहुत ही अच्छा हुआ है, जैसे कि हम लोगों का टाइम बचत होता है और गाड़ी वाड़ी पंचर उंचर भी नहीं होता है, और गाड़ी स्पीड चला के मतलब कहीं भी जो भी पहुँचना होता है जल्दी पहुँच सकते हैं। नहीं, पहले बहुत मुश्किल होता था गाड़ी वाड़ी बुकिंग करने से, कुछ भी होने से गाड़ी वाड़ी नहीं आता था। और मान लीजिए अगर 10 बुकिंग किए, 10 में से कोई अगर एक भी अगर एग्री हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगता था, जैसे 200 का जगह वो 500 मांगता था, 400 मांगता था। लेकिन अभी रोड बनने के बाद हर गाड़ी जो भी बुकिंग करने से गाड़ी वाला भी आता है और चार्जेस भी कम हो जाता है। पहले तो बहुत नखरा होता था, जैसे एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आता था ज़्यादा, लेकिन अभी के टाइम में सब कुछ सुविधा हो गया है, कुछ चीज़ हर चीज़ मतलब ऑन फ़ोन कॉल में ही करते ही तुरंत सबको सुविधा मिल जाता है। मार्केटिंग करने आती थी तो वो लोग भी मतलब खेत उत में चल के आती थी, तो अभी रोड बनने की वजह से वो लोग में चलना उलना बहुत इजी होता तो है, रोड में चलने लगे हैं और बहुत सुविधा हो गया, मतलब सामने आने जाने में भी चल के भी समय बचता है। और अच्छा रोड रहने से मतलब सब यही यूज़ करते हैं, और आसपास बहुत सारा गाँव है, वो लोग भी बहुत आना जाना इसी रोड में अभी करने लगे हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था तो लोगों को साइकिल के द्वारा तथा पैदल तक चलना मुश्किल होता था। लोगों को अपने मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गांव में किसी तरह की गाड़ी नहीं आ पाती थी, ऐसे में लोग पैदल ही मुख्य सड़क तक जाया करते थे। जब से यहाँ सड़कें बनी हैं तब से ग्रामीणों को बड़ी सुविधा हो गई है। और पहले का तो पूछिए मत, कुछ भी मत कीजिए, बहुत जर्जर स्थिति थी। बाहर ऐसे तो भाई बहुत तकलीफ होता था, लोग को आने जाने में बहुत तरह के असुविधा होती थी, जैसे और हॉस्पिटल हो या किसी प्रकार का कुछ भी हो बाजार जाने आने में। अब तो रोड बनने से जहाँ तकरीबन एक घंटा लगता था चतरा जाने में, अब 15 मिनट में चतरा पहुँच जाते हैं। कितने सारा ग्रामीण इसमें आना जाना एकदम सभी को फायदा ही फायदा है रोड बनने से। हमारे बाहर के लोग, इधर उधर के अतिथि लोग आते हैं, उन लोग भी कम से कम गाँव में रोड रास्ता है तो थोड़ा सा अपने आप को हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि हाँ हमारे गाँव में वहाँ से लेकर के चतरा से लेकर के यहाँ तक पूरे पीच रोड है, फर्स्ट क्लास का है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं नहीं रिश्तेदार अब तो आते हैं तो तारीफ करते हैं, गांव का ही तारीफ करते हैं। आज से 10-15 साल पहले कि हम लोग को अगर चतरा जाना होता था तो यहां से 3 किलोमीटर तक हमें पैदल जाना पड़ता था, मतलब साइकिल भी अच्छे से हम लोग लेके नहीं जा पाते थे, पूरा मिट्टी रहता था, गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले ही रुक जाती थी। तो आवागमन में हमको हमेशा हम लोग को इशू रहता था कि हमको अगर 9 बजे बस पकड़ना है तो भी बाइक से हम लोग 5 मिनट में लोहागढ़ अपने 3-4 किलोमीटर चले जाते हैं, और अभी साइकिल से भी चले जाते हैं जैसा अपना सुविधा। पैदल भी पहले था कि अगर बारिश हो गई तो अगर जाएंगे हम लोग पैदल भी तो आधा घंटा हम लोग को पैर धोना पड़ेगा तब हम लोग बस पे बैठ पाएंगे, ये स्थिति थी। तो अभी हाँ इतना हालत ख़राब था और गाड़ी 2-3 किलोमीटर पहले ही रुक जाती थी, इधर तो कार उर आती ही नहीं थी, और आवागमन में रेगुलर इशू रहा है। बट अभी क्या है कि रोड बहुत अच्छा हमारे पास बन गया है, जैसे हम लोग चतरा हो या कहीं भी आवागमन में हमें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे गांव के लिए, हमारे एरिया के लिए भी। हमारे एरिया में लगभग जितने ग्राम पंचायत हैं अभी हर जगह PCC रोड हो या ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो हर जगह अच्छा है, और ठेकेदार लोग भी इसको अच्छा से काम किए हैं, ऐसा नहीं कि जैसे होता है लिप के काम कर दिए। ये रोड भी देखिए अभी 6-7 साल पहले बना हुआ, अभी तक कुछ खराबी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रहा है सरकार का। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का सूचक होती हैं, इसका जुड़ाव लोगों के जीवन से बहुत गहरा होता है, ये लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है, अतः गांव-गांव में अच्छी सड़कों का होना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीणों के लिए सड़कें बनवाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तथा उनकी समस्याओं का निदान कर रही है।
देखा ना आप सभी ने, कहने को कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अति आवश्यक होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी है और इन सब का लाभ उठा रहे हैं हमारे ग्रामीण। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा, झारखंड उभरता, झारखंड।